हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि सितंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो ये मंथ आपकी कौन सी विश पूरी कर सकता है, लेट्स सी। इसको देखने के लिए आपको चूज़ करना है सितंबर वर्ड में से अपना एक अल्फ़ाबेट। सो अगर आपने चूज़ किया है अपने लिए ई को, तो देन आपका आंसर है ये, सक्सेस चाहिए अगर आपको ऐसी कोई विश है आपकी। सो ये विश आपकी सितंबर में पूरी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं, अगर आपने टी को चूज़ करा है तो देन आपका आंसर है सो जो नेक्स्ट मंथ है सितंबर, उसमें आपकी कोई भी विश पूरी होने के चांसेस नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट, अगर पी को चूज़ करा है तो आंसर देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपका। अगर आपकी कोई विश पैसों से रिलेटेड है सो वो विश आपकी पूरी हो सकती है नेक्स्ट मंथ में। इसके बाद देखते हैं एस अल्फ़ाबेट, अगर आपने चूज़ करा है तो आंसर होगा आपका प्यार वाली कोई भी विश। अगर कोई प्यार से रिलेटेड विश है आपकी सो वो आपकी पूरी हो सकती है, वो बात आपकी पूरी हो सकती है सितंबर में। एम अल्फ़ाबेट का आंसर है आपकी लवर के बारे में कोई विश पूरी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपका लवर आपको और प्यार करे सो ये विश पूरी हो सकती है। अगर नाराज़गी है और आप ख़त्म करना चाहते हो सो ये भी विश आपकी नेक्स्ट मंथ पूरी हो सकती है। बी अल्फ़ाबेट का आंसर है कोई पुराना प्यार, अगर आपकी लाइफ में एक्स है या फिर कोई आपका दोस्त है पुराना सो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है नेक्स्ट मंथ में। आर अल्फ़ाबेट, अब देखते हैं आंसर, जो विश इस टाइम दिल में है आपके सो वही विश आपकी पूरी हो सकती है। बाय।